हेलो, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ फोटो दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए कोई गेंद दो टा कोई ऑब्जेक्ट दो है, दंदी नीचे तो आता है, कोई देर से नीचे आता है, तो इसका क्या रीजन है? तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आता है, एक बार ध्यान देखिए, सबसे पहले को नीचे कौन आया? एनीवन? कौन सा रिंग? देखिए रिंग थर्ड पोजीशन वाला, फिर कौन सा आया सबसे पहले? मतलब ये आया, ठीक है, ठीक है, जरा देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, नीचे आने का क्या मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको। कुछ तो होगा नीचे आने का। ठीक है, देखते यहाँ पे कोई भी बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और एक नीचे आ रहा है, तो देखो अगर बॉडी यहाँ पे होगा, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी यहाँ बॉडी है, हमको नहीं पता कुछ के बारे में, तो यहाँ पे कोई बॉडी होगा तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा? अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो है तो इसके पास कौन सा एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यही बॉडी जो है अगर नीचे पहुंच गया, ठीक है, तो यही बॉडी अगर नीचे पहुंच गया तो दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वेलोसिटी कुछ ना कुछ वी होगा, तब इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस सरफेस को हम लोग मानते हैं स्मूथ सरफेस हमारा, ठीक है, तो जब स्मूथ सरफेस होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता है? नो फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन वाली कोई कहानी नहीं होगी, कोई स्टोरी नहीं होने वाली है, ठीक है। और जब यहाँ पे फिक्सन नहीं लगेगा, मतलब कि आपका क्या हुआ, ए फिक्स टर्न एन जीरो, और जब ए फिक्स टर्न एन जीरो है तो ओके, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो ये जो फील्ड फोर्स होगा कौन सा होगा, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? ये आपका होगा कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, और अगर ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुरू का और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बाद का, वो क्या होने वाला है आपका, बराबर। ओके, तो यहाँ पे मानिए आप पॉइंट ए, यहाँ पे मानिए आप पॉइंट ए, और यहाँ पे मानिए आप पॉइंट बी। ओके, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट अ पॉइंट ए और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट अ पॉइंट बी, दोनों को आप क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा, जीरो एट अ पॉइंट ए, और पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट बी कितना होना है, वो जीरो होना है, और काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट बी होगा। सोचते क्या है, बोलते क्या, लिखते कुछ और। हाँ अब सही है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा आपका, एम डी एच
ओके। और यहाँ पे जो होगा इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, तो इसके पास दो तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। एक होगा स्लाइडिंग, एक होगा रोटेटिंग, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रनिंग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, रनिंग। तो आपके पास रनिंग मतलब दोनों टाइप का एनर्जी है, रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। स्लाइडिंग का मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी हुआ। तो यहाँ पे इसका मान लिखिए हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो लिखिएगा, ओके। और भी का मान कितना होगा आपके पास, भी इक्वल टू ओमेगा आर, ये आपको पता है, भी इक्वल टू ओमेगा आर। तब देखिए क्या होना है, तो देखिए यहां आगे प्रोसीड कीजिए, एम डी एच, ओके। और यहां पे बच्चा आपके पास ओमेगा आर, ठीक है। तो यहां पर लिखिए हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ। अब देखो यहां पे आपके पास क्या है, आई का मान कितना होगा, आई का मान कितना होता है, ईम इंटू के स्क्वायर, और के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसका मान पुट कीजिए ईम के स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा की जगह पे वी बाय आर, ओके। तो अब देखिए इससे आप क्या बाहर कर सकते हैं, एम डी एच का मान कितना है, एम डी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और आपके पास क्या बचेगा, हाफ एम बी स्क्वायर को बाहर कीजिएगा तो वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, ओके। तो आपका जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना रहेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू टू डी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका वी का मान। तो यहां से आपका वी का मान कितना रहेगा, रूट टू डी एच डिवाइड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं, तो देखिए अगर नीचे का पोर्शन आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपका फ्रैक्शन क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटा, और डिनोमिनेटर अगर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा नॉर्मल तीर क्या, डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, बी होगा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, तो देखो सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका होता है, सर्किन का होता है, फिर डिस्क का होता है, फिर हॉलोस्फेयर होता है, फिर सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी नीचे आने पे किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का होगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत कम होता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन जिसका सबसे कम उसका डिनोमिनेटर सबसे कम, ओके। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसका वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका वेलोसिटी नीचे आने पे ज्यादा होगा उसका जो है क्या, उसका जिसका भी रेडियस जिसका भी वेलोसिटी ज्यादा होगा नीचे में वो दंडी पहुंचेगा, और दंडी कौन पहुंचेगा, आपका सॉलिड स्फीयर, ओके। तो अगर आपको आपके पास चार चीज दिया हुआ रहेगा, एक रहेगा रिंग,
एक रहेगा डिस्क, एक रहेगा हॉडोस्फेयर, और एक रहेगा आपके पास क्या, सोलिडोस्फेयर। तो कोई हमको बता सकता सबसे पहले कौन कौन फॉर्म पर पहुंचेगा नीचे, मैंने सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा नीचे आने पे, यह आपका क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अरेंज देम इन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे रीच ग्राउंड, अरेंज देम बीट मैक्सिमम वेलोसिटी। When they reach ground, तो सबसे पहला वेलोसिटी ओके, तो सबसे ज्यादा यहां पे क्या लिखे, यहां पे हम लिख सकते हैं सॉलिड स्फीयर का जो होगा वो वेलोसिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा हॉडोस्फीयर का, ओके और फिर होगा किसका आपका डिस्क का, और फिर होगा आपका रिंग का, क्योंकि इसका कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, इसका होता है 2/3, इसका होता है 1/2, इसका 1। तो हम अरेंज करेंगे 2/5 का कितना होगा 0.4, इसका कितना होगा 0.66 होता है हॉडोस्फीयर का, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्क होगा, सॉरी यहाँ पे डिस्क होगा, गलती हो सकता है, यहाँ पे डिस्क होगा क्योंकि 2/3 डिस्क का मतलब हॉडोस्फीयर का होता है, और यहां पे आपका होगा डिस्क, और यहां पे होगा आपका हॉडोस्फीयर। ओके क्रिएट कर दीजिए करेक्ट, ओके इसको इसका कितना होता 1/2, सिर्फ हॉडोस्फीयर का 2/3 होता है, 2/3 मतलब 0.66, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, 0.5 हम सही है, 0.4, 0.5, 0.66 और 1 अब सही है। आपका क्या कमेंट आया था, कोई पढ़ लेते हैं, सॉलिड स्फीयर डिस्क रिंग हॉडोस्फीयर, एक बड़ा है तो उसका वेलोसिटी कम ना होगा, एक बड़ा है तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका वेलोसिटी सबसे कम, एक बड़ा है तो एक जो सबसे कम ना होगा, और 0.66 बड़ा है, 0.66 ओ सॉरी हाँ और हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन उल्टा होगा यहाँ पे, हाँ सॉरी डायरेक्शन उल्टा होगा, क्योंकि रिंग का उल्टा हम क्या कर दिए, सही तो एक मिनट, रिंग का सब क्या डिनोमिनेटर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, ओके फिर 0.66, फिर इसका इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सही है सही सही तो है हाँ 0.66 मतलब इसकी फिर कम हुआ, फिर एक कम हुआ 0.66 बराबर 0.5 से, 0.5 बराबर 0.4 सही तो है अब सही हाँ ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सबको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा,
ओके तो देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, भी इक्वल टू यू प्लस एटी, ओके भी इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो इसमें से यू का मान कितना होगा हमारा, जीरो, यू का मान जीरो होगा और भी का मान हमारा कितना होने वाला है, बी का मान अभी भी हमको मान चला है जितना भी होगा, ओके और ए का मान कितना होगा आपका, डी साइन थीटा, इनटू टी ये ना ये सर ऐसा इसमें टी आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, इसे नहीं काम कर सकते हैं। अच्छा दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसको लगाते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, u इज इक्वल टू जीरो, हमको v चाहिए और टू ए एस, यहाँ पे हमको a का मान नहीं पता, ओके सर तो यहाँ a का मान तो पता है हमको और s का मान भी हमको पता है, ठीक है सही है, हाँ सही, ए का मान होगा हमारा डी साइन थीटा, देखो इसका जो हाइट होगा वो होगा हमारा एच और ये डिस्टेंस को हम मानते हैं क्या एस, ठीक है ये जो डिस्टेंस जो कवर करेगा आदमी जो हमारा ऑब्जेक्ट है टॉप से बॉटम आने पे, ये हुआ हमारा इस, तो उसका मान कितना होगा, एक मिनट ओके, तो यहां पे हम एस लगाते हैं, ठीक है टू ए एस, तो यहां से हमें हमारा क्या आएगा, ए आएगा, रुकिए यहां से देखो बी का मान अभी भी हमको मालूम चला है, ए का हाँ सॉरी हम यहाँ पे ऊपर क्यों किए थे, हाँ हमारा ए का मान कितना होगा, तो देखो यहाँ पे इसका डी की कितना होगा आपका, इसका जो भी डी होगा हमेशा नीचे होगा और इसके का दो कंपोनेंट टूटेगा डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा में, और डी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय द नॉर्मल फोर्स, डी कॉस थीटा होगा वो क्या होगा नॉर्मल फोर्स के द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, ओके मतलब ऊपर ऊपर समझिए क्योंकि वो आपका है न्यूटन का चीज, तो उतना चीज तो बताएंगे नहीं हम आपको, तो ए का मान हुआ डी साइन थीटा, अब वैल्यू पुट कीजिए सबका मान, सबका मान वैल्यू पुट कीजिए, इसका टू इसका मान कितना है डी साइन थीटा, ओके ये हुआ आपका एस, टू ए एस, एक मिनट देखो टू ए एस, ओके इसका मान टू जी साइन थीटा, यहाँ पे बी का मान कितना होना है आपका, बी का मान कितना आया था रूट टू दी डिवाइड वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके रूट टू दी डिवाइड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वो आपका मान, ओके तो देखो सिंपल होता है तो सीधे यहाँ पे इसका मान डी साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन का मान होगा वो कितना होगा, ये देखो ये रोडिंग का बात, यहाँ पे देखो यहाँ पे सीधे ये हो गया आपका बी ए स्क्वायर और यहाँ पे एस है,
ए रॉनिंग वन प्लस किस इतना है, इतना का टू ए एस। अच्छा रुको, यहाँ पे पुट कर टू ए एस, तो यहाँ पे ए का मान हमारा कितना आने वाला है, वन प्लस केस का सर, इसका यहाँ से ये मिटा, हाँ इन बी एस पर का मान इतना है और टू ए एस। एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी कितना, वी स्क्वायर एक टू ए एस का मान इतना है और ए रोलिंग कितना होता है हमारा डी सेंट, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे डी सेंट थीटा होगा इसका हमारा इधर का एक्सटेंशन, फिर यहाँ पे ए का मान टू ए एस, इसको कंपेयर करेंगे तो कितना होगा इसका मान टू ए एस। लुको हाँ, यहाँ से टू एस पुट कर, हमारा एस का मान कितना होता है, ए का मान हमारा कितना होगा रूट टू डी एच, रूट टू डी एच डिवाइड बाई, यहाँ पे है हम बी एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, यहाँ से ए का मान हमारा कितना होगा टू डी एच डिवाइड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, और डिवाइड बाई एस इतना होगा हमारा मान, ठीक है। हाँ हाँ इतना आ गया, सही है। देखो ए का मान हमारा इसमें कितना होगा रूट टू, यहाँ पे बी स्क्वायर टू दिए डिवाइड बाय वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सनेशन का मान, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सनेशन, हाँ सही है। और नीचे में हमारा कितना एस है और यहाँ पे हमारा कितना है टू, यहाँ से टू से भाग दे देते हैं, ठीक है सही, तो हाँ सही टू ए एस, सही है। तो इतना हमारा एक्सनेशन का मान होगा। तो देखो यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे के बाय आर है, यहाँ पे हमारा मान कितना है के बाय आर। ओके हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारा मान कितना है के बाय आर, तो के बाय आर में देखो अगर हमारा जिसका के का मान ज्यादा होगा उसका ए का मान ज्यादा होगा, सॉरी जिसका के का मान ज्यादा होगा उसका ए का मान कम होगा, के का मान ज्यादा होगा तो ए का मान क्या होगा हमारा कम होगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारा फ्रैक्शन छोटा होगा। ओके, तो इसमें भी सेम कहानी होगी, जो हमारा वेलोसिटी के साथ है। ओके, तो इसका भी अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द सबस्फीयर किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का होगा, फिर किसके ज्यादा एक्सटेंशन होगा हमारा डिस्क का होगा, फिर हमारा किसका होगा हॉर्नोस्फीयर का होगा, और फिर किसका होगा हमारा रिंग का होगा। ओके, तो एक्सटेंशन का भी हमारा यही होने वाला है, तो हमारा एक्सटेंशन का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा हमारा कितना एच बाय एस, ठीक है, हमारे पास क्या बच्चा एच बाय एस, एच बाय एस को क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, देखो हाँ हमारे पास एथ बाय एस, तो देखो एथ बाय एस, तो देखो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना होगा हमारा, देखो साइन थीटा का मान हमारा कितना होगा पी बाय एच, पी हमारा कौन सा है एच और हमारा एच कौन सा है एस, मतलब समझ रहे हैं ना, एच कैप्टन एच हुआ हमारा हाइट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हुआ हमारा एस, जो हम डिस्टेंस मारे थे, तो हमारा कितना है यहाँ पे पी बाय, देखो हाँ यहाँ पे हमारा कितना आया था कहाँ गया हाँ हाँ एच बाई एस, ये जो एच बाई एस है वो क्या हो जाएगा हमारा एच बाई एस, हमारा क्या होगा साइन थीटा के बराबर होगा, तो हमारा जो एक्सटेंशन का मान आया वो कितना आया, इसको हम यहाँ पे किनारे लिखते हैं, तो ए का मान हमारा कितना आएगा टू से टू कट गया, एच बाई एस का कितना हो गया साइन थीटा डी डिवाइड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा रनिंग मोशन का, रनिंग मोशन का जो एक्सटेंशन आएगा वो इतना आएगा। अब आया ओके,
अगर यही चीज अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में कितना आता है हमारा, सिर्फ दिस टैन थीटा। ओके अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ कितना आएगा, दिस टैन थीटा आएगा, और यहाँ पे हमारा इतना आया दिस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो अगर हमारा जो है ये स्लाइड करता, ये रॉड नहीं करता, अगर इसमें रोलिंग मोशन नहीं होता तो इसमें क्या होता, के का मान भी जीरो होता, क्योंकि जब मूव ही नहीं करता तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता तो आपका क्या बनते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं होता। ओके तो आपका कितना होता, के बाय आर स्क्वायर का मान जीरो होता। ओके ये जो पोर्शन है आपका उसका मान जीरो होता पूरा, अगर यह सिर्फ स्लाइड करता तो आपका जो फॉर्मूला था रॉड क्या करते हैं जो पॉइंट है कि ए इक्वल टू दिस टैन थीटा तो वो आ जाता। अगर यहाँ पे क्या कर रहा है रॉन कर रहा है तो जब रॉनिंग मोशन करेगा तब क्या करेगा, तब इसका मान हमारा इतना आएगा, क्या कहते हैं दिस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके उसी प्रकार से टाइम की बात करते हैं, सबको कितना टाइम नीचे पहुंचेगा। ओके सबको नीचे में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तब देखो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। देखो तो देखो भीज इक्वल टू यू प्लस एटी शुरू में लगाए थे तो वहां पे दो दो वेरिएबल आ गया था, तो यहाँ पे यू का मान जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे हमारा ए का मान आ गया, और यहाँ पे हमारा नहीं इससे नहीं हो पाएगा, इससे तो पूरा कट जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो। हाँ दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके ये यूज करते हैं ठीक है। तो देखो हाइट के फॉर्मेट ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, एस, ये हो गया हमारा एस, और हमारा ए का मान कितना आया था, यू टू का मान जीरो होगा और ए का मान हमारा कितना था, डी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा मान आया था। तो हमारा जो मान आएगा इसमें वो कितना आएगा, टी स्क्वायर का मान कितना होगा, 2s डिवाइड बाय d sin theta ओके, और इसको सीधे ऐड कर दो तो आपका मान कितना हो जाएगा, तो देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यह पूरा का पूरा पोर्शन चला गया इधर ठीक है, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सही है, हाँ सही, हाँ बिल्कुल सही, ये हो गया हमारा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे k आ गया न्यूमरेटर में, ओके तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा उसका फ्रैक्शन उतना ज्यादा। तो हम टाइम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाएगा, सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा रिंग, ओके क्योंकि रिंग का केस सबसे ज्यादा होता है, फिर कौन लगाएगा, हॉर्डोस्फियर, ओके फिर किसका टाइम लगेगा, फिर लगेगा डिस्क का, और फिर किसका लगेगा, सॉलिड स्फीयर का। ओके तो यहां से हम लोग एक चीज मालूम कर ली है, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके यही चीज अगर हमारा स्लाइडिंग मोशन होता तो यहाँ पे के के बाय आर स्क्वायर का मान जीरो होता। ओके अगर ये सिर्फ स्लाइडिंग करता वहां पे सिर्फ ट्रांजिशन मोशन लगता तो यहाँ पे इसका मान सीधे होता रूट टू एस बाय डी। टू एस बाय डी साइन थीटा मतलब हाँ ये होता, और अगर हमारा जो है यहाँ पे क्या रनिंग मोशन हो रहा है तो हमारा सब लिखना पड़ेगा। तो अब एक बार फिर से देखिए तो फोटो को अब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड स्फीयर, ये हो गया डिस्क, और ये होगा आपका हॉर्नोस्फीयर, और एक होगा फिर रिंग। ओके फोटो से समझ में आ रहा है,
एक बार फिर से, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? शायद टाइम हो गया, हाँ टाइम भी हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझ में आ गया ना सारा? स्लाइडिंग मोशन ऑक्यूलेट एक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है, अब फोटो से समझ में और अच्छे से आया होगा। तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कम कम पढ़िए, रोज पढ़िए, ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है।